Welcome to the third video on the rhyme of the ancient mariner. The rhyme of the ancient mariner पर यह तीसरी वीडियो है. इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है. Previously we have seen video number 1, lines 1 to 20. Video number 2, lines 21 to 40. हमने दो वीडियोस पहले देखी हैं. पहली वीडियो में लाइन 1 से 20 तक हैं, दूसरी वीडियो में लाइन 21 से 40 तक हैं. उन दोनों वीडियोस में एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखने के बाद हमें ये पता चला कि एंशिएंट मैरिनर एक वेडिंग गेस्ट को पकड़कर अपनी कहानी सुनाता है और वेडिंग गेस्ट परेशान होकर के छूटकर जाना चाहता है, नहीं जा पाता है और मजबूर होकर उसकी कहानी सुनता है और बीच बीच में छटपटाकर उठ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है. इन द फर्स्ट टू पार्ट्स वी हैव सीन दैट देयर इज अ कैरेक्टर द एंशिएंट मैरिनर हु हैज कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ द थ्री वेडिंग गेस्ट्स and began narrating his story. The wedding guest is highly disturbed. He has come here for a different reason, wants to go away, but is in the grip of the glittering eyes of the ancient mariner, and he is unable to get out of it. And he has no choice except to sit down and listen to the narration of the ancient mariner. He does try. He attempts, but of no use. Now here onwards, we will begin the third part, lines 41 to 62. अब हम तीसरी वीडियो में line 41 से 62 तक देखेंगे. Let us see the text of the poem. हम पहले कविता के मूल पंक्तियां देखते हैं. And now the storm blast came, and he was tyrannous and strong. He struck with his overtaking wings and chased us south along. With sloping mast and dripping prow, as who pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward we fled. And now there came both mist and snow, and it grew wondrous cold, and ice mast high came floating by, as green as emerald. And through the drifts, the snowy cliffs did send a dismal sheen, nor shapes of men nor beasts we ken, the ice was all between. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. It cracked and growled and roared and howled like noises in a swound. Line 41 onwards, हम देखते हैं कि एक ship जिसकी चर्चा ancient mariner कर रहा है, उस ship के आगे बढ़ने का scene हमने देखा था और उसमें शिप जैसे आगे बढ़ा, चर्च आई, माउंटेन्स, हिल्स, लाइट हाउस आए वहाँ और चीयर अप करके हार्बर पर लोगों ने इनको रवाना किया था. उसके बाद ये आगे बढ़े, इन्हें सूर्य देखने को मिला जो कि लेफ्ट से राइज होकर के राइट में डूब जाता है. बहुत ब्राइट शिप है, बहुत ब्राइट सन है. और उसके बाद वो बताता है एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम. अब नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस उसको हुआ वो था स्टॉर्म ब्लास्ट का.
बहुत तेज अंधड़ का, तूफान का, एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग, एंड द स्टॉर्म वॉज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग, वेरी वाइल्ड, विकेडली वाइल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. Actually, they are in a sea and the whole area is widely open. So, the force of water and air or the tempestuous wind is definitely going to be very strong. And here, since this is based on the imagination, the fancy of Coleridge, so he conjures up the image of a very strong and tempestuous ब्लास्ट. जहां पर हम शिप की लोकेशन देख रहे हैं वो जगह बहुत खुले हुए समुद्र की जगह है, हवा को तेज तो होना ही है नेचुरली भी देखें तो, लेकिन क्योंकि यहां पर कोलरिज अपनी कल्पना शक्ति को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है और एक सुपर नेचुरल एटमोसफियर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां उसने जिस टेम्पेस्ट का, जिस तूफान का सीन क्रिएट किया है वो बहुत टायरनस, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत विकेडली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा विध्वंसक तरीके से स्ट्रॉन्ग है. एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग, ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेस्ड अस साउथ अलोंग. और यहां पर वो बताता है कि जो स्टॉर्म ब्लास्ट आया वो इतना स्ट्रॉन्ग आया, उसने हमको चेज किया और हम साउथ की तरफ खिसकने लग गए, क्योंकि पानी का जहाज जो होता है वो जिस तरफ भी हवा का बहाव होता है वो उसी दिशा में जाने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि हवा के धक्के से वो चलता है. इस कारण से वो उनका शिप भी साउथवर्ड मूव करने लग जाता है. With sloping mast and dipping prow, as who pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe and forward bends his head. With sloping mast and dipping prow. Now the ship, because of the force of the stormy air, because of the force of the tempestuous air, it is shaking. It is actually very unstable. And he says with sloping mast and dipping prow. The prow, the front part of the ship is dipping into the water. And the masts are sloping because the ship is very unstable. यहां हम देख रहे हैं पानी का जहाज बहुत बुरी तरह से पानी में डगमगा रहा है. क्यों डगमगा रहा है? क्योंकि स्टॉर्मी ब्लास्ट है और जिस भी तरफ हवा उसको धक्का देती है, प्रेशर क्रिएट करती है, उसे उसी डायरेक्शन में टिल्ट हो जाना पड़ रहा है और जहाज का सामने वाला हिस्सा, प्राउ वाला हिस्सा पानी में बार बार डूबता जा रहा है. एज हु परस्यूड विद रियल एंड ब्लो स्टिल ट्रेड्स द शैडो ऑफ हिज फो एंड इट लुक्स एज इफ द शिप इज चेजिंग द शैडो ऑफ हिज foe, the shadow of his enemy. अब क्योंकि ये poem एक supernatural atmosphere में लिखी गई है, background इसकी इस तरह से create की गई है और imagination fancy यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है, तो Coleridge ये बताते हैं जहाज इस तरह से हिल रहा है जैसे कि वो अपने किसी दुश्मन को chase करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको पानी के अंदर दबोचने के लिए बार बार पानी की तरफ अपने आप को झुका रहा है. एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, और अपने सिर को बार बार पानी की तरफ झुका रहा है क्योंकि उस जहाज को ये लग रहा है कि उसका दुश्मन पानी के अंदर है और वह झपट्टा मार के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. द शिप ड्रोव फास्ट, लाउड रोर्ड द ब्लास्ट and southward we fled. The ship drove fast because of the push created by the stormy winds, the tempestuous winds. The ship is moving very fast. Storm ke hawa ke pressure ke karan jahaz
बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है. लाउड रोर्ड द ब्लास्ट एंड द ब्लास्ट इज रोरिंग वेरी लाउड. खुली जगह है, टेम्पेस्ट का माहौल है, स्टॉर्म का माहौल है और बहुत जोर से ब्लास्टिंग टेम्पेस्ट आया हुआ है, ब्लास्टिंग स्टॉर्म आया हुआ है, जैसे विस्फोटक स्थिति हो इस तरह का टेम्पेस्ट आया हुआ है. एंड साउथवर्ड ए वी फ्लेड और उसी के कारण साउथ की तरफ इनका जहाज धक्का खाकर जाने लगता है. एंड नाउ दे केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड. नाउ कोलरिज कंज्यूर्स अप द इमेज ऑफ द मिस्ट एंड स्नो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कोल्ड इन द एटमोसफियर. अब कोलरिज अपनी कल्पनाओं में मिस्ट एंड स्नो धुंध को क्रिएट करता है और बताता है कि अचानक से यहाँ बहुत तेज धुंध छा गई और बहुत तेज सर्दी पड़ने लग गई. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कुछ लाइंस पहले सूरज बहुत तेज चमक रहा था, अब हम देख रहे हैं कि सर्दी बहुत तेज पड़ रही है. कोलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में हम किसी भी तरह का साइंटिफिक लॉजिक नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है. एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरल्ड. ही सेज दैट ऑन वन हैंड इट ग्रू वेरी कोल्ड एंड ऑन द अदर हैंड दे केम आइस एंड द आइस वॉज फ्लोटिंग बाय बट द आइस वॉज सो हाई मास्ट हाई इट वॉज एज हाई वॉज द मास्ट ऑफ द शिप. जहाज का मस्तूल जितना ऊंचा था इतने ऊंचे ऊंचे बर्फ के टुकड़े बहते हुए पानी में आए. और ये टुकड़े कैसे थे? ये टुकड़े एज ग्रीन एज एमरल्ड. एमरल्ड एक प्रेशियस स्टोन होता है, पत्थर होता है जिसे हम पन्ना बोलते हैं. पन्ना के जैसा हरे रंग का बर्फ का रंग था. बर्फ इतनी खूबसूरत, बड़ी बड़ी हरे रंग की बर्फ जो कि जहाज की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंची थी, वो पानी में बहकर आ रही थी. एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स डिड सेंड अ डिस्मल शीन. ही सेज दैट व्हेन वी लुक्ड एट द होल सिनेरियो वी फाउंड दैट इट वॉज वेरी डिस्मल, इट वॉज वेरी डिंजी, इट वॉज वेरी ग्लूमी, वेरी अनहैप्पी, नॉट गिविंग अ फ्रेश और रिज्यूविनेटिंग फीलिंग एट ऑल. कोलरिज जो इमेज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो बताते हैं कि जब पानी में बर्फ बह करके आने लग गई तो वो ऐसे लगने लगी. एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स डिड सेंड अ डिस्मल शीन. जो चमक निकल करके आ रही थी पूरे एटमॉस्फेयर में, बर्फ की सिल्लियाँ आ रही थी, वो चमक रही थी, लेकिन उसका जो इफेक्ट था वो बहुत डिस्मल था, बहुत ग्लूमी था, बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही अवसादपूर्ण था. Nor shapes of men nor beasts weaken, the ice was all between. Nor shapes of men, there were no men to look at, there were no human beings to look at, nor beasts weaken. Okay, if there weren't human beings nearby, at least even beasts would do, animals would do, but there were no beasts at all. Nor shapes of men nor beasts weaken. We didn't have the knowledge of either men or beasts being nearby. हमारे आसपास ना तो कोई मनुष्य नाम की चीज थी देखने के लिए, ना ही पशु थे. The ice was all between. बस एक ही चीज थी जो दिखाई दे रही थी और वो क्या थी? Ice. सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. It cracked and growled and roared and howled like noises in a swamp.
Coleridge says, the ice was here, the ice was there, the ice was all around. He has very beautifully, very musically created the image of ice all around. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. Very musical and very rhythmic lines written by Coleridge. Coleridge ne yahan par bahut hi musical sangeet mein panktiyan gadi hain barf ka vivaran dene ke liye. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. Sab taraf, yatra tatra sarvatra, barf hi barf thi. Kaisi barf thi? It cracked and growled and roared and howled like noises in a swamp. And the ice, because we have an atmosphere of the supernatural. So the ice was also supernatural. He says it cracked and growled and roared and howled. Jo barf thi, wo ajeeb si, adbhut si, kuch विस्मय बोधक सी लग रही थी, जो क्रैक कर रही थी, ग्राउल कर रही थी, रोर कर रही थी, हाउल कर रही थी, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रही थी, कभी चटकने के, कभी बिड़ने के, कभी विभत्स से आवाजें निकाल रही थी. तो बर्फ से निकलने वाली आवाजें बहुत ही विचित्र थी. कैसी थी? लाइक नॉइजेज इन अ स्वाउंड, एज इफ वी हैव द नॉइज विच वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आर स्वाउंड, ड्यूरिंग आर स्लीप or during our, when we are in a trance. So it was something of that sort that could be experienced at that time. So here we see that the picture of the ice has been conjured up very beautifully to create the supernatural effect. Now let us see a few words and meanings, phrases, to understand line 41 to 62. Properly. यहाँ हम कुछ words और phrases देखेंगे जो कि lines 41 से लेके 62 तक समझने के लिए हमें बहुत सहायक होंगी. Tyrannous, dictatorial, autocratic, तानाशाह, निरंकुश शासक. Chased, raced, rushed, पीछा किया. Sloping, slanted, oblique, तिरछा, एक दिशा में झुका हुआ. Dipping prow, front part of a vessel or an aircraft, पानी के जहाज का अग्रभाग. Pursued, followed, chased, trailed, पीछा किया. Treads, footsteps, walk heavily or roughly. Roared, rumbled, thundered, resounded, गर्जा, भारी ध्वनि की. Wondrous, unbelievable, amazing, astounding, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक, अचंभित कर देने वाला. Emerald, a bright green precious stone, पन्ना, हरे रंग का एक बहुमूल्य रत्न. Dismal, miserable, depressing, gloomy, निराशाजनक, शोकमय, हतभाग्य, अवसाद के भाव से भाव उत्पन्न करने वाला. Ken, knowledge, acquaintance, awareness, ज्ञान की सीमा, संज्ञा का दायरा, विद्या या दृष्टि. Cracked and growled and roared and howled. The ice made tremendous sound, which highlighted the gloomy atmosphere. बर्फ के जोर जोर से चटकने, बजने, खड़कने की मिश्रित ध्वनियां आ रही थीं. इससे वातावरण में अवसाद का भाव और अधिक प्रभावी हो रहा था. Here we have seen that Coleridge has very successfully and very effectively
created the atmosphere of supernatural, the atmosphere of fancy, which logically may be incorrect, but it is very interesting. It may be unscientific, but it is very interesting to the reader to go into that world of imagination. यहाँ हम ये देखते हैं कि कोलरिज ने जिस तरह का सुपर नेचुरल एटमोसफियर क्रिएट करने की इच्छा रखी थी उसे बहुत खूबी से निर्मित किया है. हम कोलरिज की इस कविता में वैज्ञानिक सत्य तो नहीं ढूंढेंगे, लेकिन जिस तरह से इसने एक इमेजिनेशन को यूज़ किया है, कल्पना शक्ति से जिस तरह की दुनिया का निर्माण किया है, जिस तरह की गतिविधियों का निर्माण किया है, वो बेहद खूबसूरत और बेहद सफलतापूर्वक उसने बनाई हैं. दिस इज द थर्ड वीडियो. वी शैल कंटिन्यू लाइन 63 ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ पर हमने लाइन 41 से 62 तक देखी थी. अब इसके बाद चौथे वीडियो में हम लाइन 63 के आगे देखेंगे. प्लीज सी द फोर्थ वीडियो. कृपया चौथा वीडियो भी देखें. धन्यवाद. थैंक यू.